गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 उन्मेष का पार्ट 2 नन्ना पेड़ पढ़ेंगे। ओके, मैं आपको कहानी के द्वारा इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी। ये कहानी है बेटा, आपको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए मैम क्लास में भी आते थे तो आपको कहानी सुनाते हैं, है ना। कहानी सुनकर हमको कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है, इसलिए ये कहानी है एक नन्हे से पेड़ की, पेड़ के बारे में जो कि ठूठ है। ठूठ मीन्स क्या होता है, उसके ऊपर पत्ते वत्ते कुछ नहीं है। ठूठ मीन्स वो बिना उसका खड़ा हुआ है, बिना पत्ते का। कैसा होता है पेड़, एकदम सूखा हुआ, उस वो एकदम ठूठ है। इसलिए उस नन्हे पेड़ की कहानी है। ये कहानी उस ही पेड़ के इर्द गिर्द घूमती है। वो धूप में जलता रहता था, आंधी में हिलता, बारिश में भीगता, लेकिन अपनी जगह पर यथावत खड़ा रहता था, जैसे तैसे खड़ा हुआ रहता। लेकिन एक बार, और वह दूसरे सभी पेड़ों से अलग था। दूसरे सभी पेड़ों पर अच्छे हरे भरे पत्ते थे, बहुत बड़े विशाल थे, लेकिन वो बहुत छोटा सा था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम नन्ना पेड़ है। नन्ना मीन्स छोटा और पेड़ मतलब ट्री, आप सभी जानते हो, है ना। एक बार उस पेड़ के मन में सारे पेड़ों को देखकर जंगल में ख्याल आया कि काश मेरे ऊपर भी सुनहरे पत्ते होते, ऐसा मन में उसने सोचा। जैसे हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती और हम भगवान से प्रे करते ना, सोच लेते हैं, हम सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये होती, या मेरे पास BMW गाड़ी होती, मेरे पास ये होता वो होता, हम ऐसा सब सोचते हैं ना। जो हमारे पास नहीं होता है हम उसके बारे में कल्पना करते हैं, बजाय इसके कि ईश्वर ने हमें जो दिया है हम उसका धन्यवाद नहीं करते, हम जो नहीं है उसकी तरफ भागते हैं। तो वो पेड़ भी ऐसा ही था हमारी तरह, वो सोचने लगा कि काश मेरे ऊपर भी सुनहरे पत्ते होते। तो एक अंधेरा हो गया, रात हुई, सब सो गए, और जैसे ही सुबह हुई, सूर्य का प्रकाश निकला, सूर्योदय हुआ, उस पेड़ के ऊपर उसने जो मनोकामना की थी ना रात को, पूरी हो गई। क्या हुआ, पूरी कैसे हुई, उस पेड़ के ऊपर अचानक बहुत सुंदर से सुनहरे पत्ते आ गए। सुनहरे मीन्स गोल्डन, जैसे गोल्ड की तरह चमकने लगे। अब धूप आई तो वो गोल्ड, कहते हैं ना धूप में तो और भी चमकता है, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से एकदम शाइन मारने लगा, चमकने लगा। जब वो पेड़ चमकने लगा तो वहाँ से एक आदमी घूमता फिरता कहीं आया। अब बड़े बड़े पेड़ों पर तो इजीली हाथ नहीं जाता है किसी का, लेकिन क्योंकि वो पेड़ छोटा था और उस पर सोने जैसे पत्ते उग गए, तो एक आदमी आया, उसके पत्तों को तोड़ा और सारे पत्ते तोड़ तोड़ के, वो एक थैला या बैग लाया था, सारे पत्ते तोड़कर अपने बैग में डाले और चलता बना, चला गया। ओके, अब वो चला गया और पेड़ वापस कैसा हो गया, पहले के जैसा हो गया है, मतलब वापस से ठूठ बन गया। पहली बार उसने सोचा मेरे ऊपर सुनहरे पत्ते हो, है ना। अब सुनहरे पत्ते क्योंकि लोग ले जाते थे सोना समझ कर, सोना मान कर, इसीलिए सेकेंड टाइम उसने सोचा मुझे सोने वोने जैसे पत्ते नहीं चाहिए, मुझे कैसे पत्ते चाहिए जो कांच के जैसे हो, चमकीले एकदम, मुझे ऐसे पत्ते चाहिए। तो दूसरे दिन जब वो उठा, सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, दूसरे दिन उस पर क्या देखता है कि कांच के जैसे चमकीले पत्ते उग जाते हैं। चमकदार होने से काम चल जाएगा उसने ऐसा विचारा था, इसलिए उसके ऊपर चमकीले कांच की जैसे चमकने वाले पत्ते उग गए। लेकिन क्या हुआ बेटा, वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से आंधी आई, सारे बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे, तो वो तो बहुत छोटा सा था, क्योंकि वो पेड़ बहुत छोटा था, आंधी से सारे पेड़ बड़े बड़े हिलने लगे, तो वो तो छोटा होने के कारण उसके सारे पत्ते झड़ झड़ कर नीचे गिर गए। नीचे गिरे तो वो कांच के थे चमकीले, इसलिए चकनाचूर हो गए, मतलब टूट फूट कर बिखर गए चारों। और फिर से वह पेड़ सेकंड टाइम, फिर से वह पेड़ ठूठ बन गया, मतलब अपनी पहले वाली ही स्थिति में पहुंच गया। ओके, अब तीसरे नंबर, जब उसने दो बार ऐसा देखा कि मेरे ऊपर तो सुनहरे पत्ते भी नहीं टिके, मेरे ऊपर चमकीले कांच के जैसे चमकने वाले पत्ते भी नहीं टिके, तो उसने सोचा कि थर्ड टाइम, काश मुझे तो सुनहरे पत्ते भी नहीं चाहिए, कांच की जैसे चमकने वाले पत्ते भी नहीं चाहिए, मुझे कैसे पत्ते चाहिए, मेरे ऊपर तो हरे भरे हरे हरे पत्ते ही उग जाए तो अच्छा,
तो मैं भी सबके जैसा सुंदर लगूंगा। उसने ऐसा मन में विचारा और बच्चों दूसरे दिन सुबह उसके ऊपर हरे भरे पत्ते उग गए। ऐसा देखकर वो बहुत खुश हुआ, फूला नहीं समाया। लेकिन एक बकरी का झुंड उस जंगल में वहाँ से आया। चलते 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 अब बकरियों के मुंह में बड़े पेड़ के पत्ते तो हाथ नहीं लगते, इसी तरह से उस छोटा पेड़ उनके मुंह तक पहुंच गया और सारे उस बकरी के झुंड ने, बकरियों के झुंड ने, दल ने उस पेड़ के सारे पत्ते चबा चबा कर खाकर ख़त्म कर दिए। और तीसरी टाइम भी वो पेड़ वापस से कैसा बन गया बेटा? ठूंठ बन गया, है ना। पहली बार सुनहरे पत्ते थे, लेकिन एक आदमी उसके सुनहरे पत्ते भरकर जंगल में कहीं चला गया और सारे सुनहरे पत्ते तोड़कर ले गया। सेकंड टाइम उसने आशा की, भगवान से प्रे करी कि मेरे ऊपर चमकीले पत्ते आए कांच के जैसे। चमकीले पत्ते भी आंधी और तूफान आया और झड़ कर गिर कर चकनाचूर हो गए। थर्ड टाइम, तीसरी बार उसने सोचा कि मेरे ऊपर हरे भरे पत्ते आ जाए, मैं उसी से संतोष कर लूँगा। लेकिन तीसरी बार क्या हुआ, बकरियों का झुंड कहीं से आया और उसके सारे पत्तों को खाकर चला गया। इसका परिणाम क्या हुआ बेटा? हम सोचे कुछ भी, लेकिन वो वापस अपनी उस पुरानी, पुनः पहले वाली ही स्थिति में आ गया। मतलब वो ठूंठ बन गया। ठूंठ मीन्स उसके ऊपर अब कुछ भी नहीं रहा। लेकिन अब वो मन में ये विचारता है कि मैं तो जैसा पहले था और अभी हो गया हूँ ठूंठ, मैं हर हाल में अच्छा हूँ, अब मुझे किसी भी तरह का कोई पत्ता नहीं चाहिए। मतलब मैं अपनी इस यथावत स्थिति में ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओके, ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। अब इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि भगवान ने हमको जिस हाल में जैसा भी बनाया है, हमें खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, है ना। यही हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। हम दूसरी चीज़ों को सोच सोच कर क्यों दुखी होते रहे? भगवान की बनाई हुई कोई भी कलाकृति, कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, इसलिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानो। लेकिन अपनी प्रशंसा हमें खुद नहीं करनी है, है ना। हमें ऐसा बनना है, अच्छा अच्छा कुछ कर कर के लोग हमारी प्रशंसा करें, हम जहाँ जाएं एक हीरे के समान चमके। इसीलिए भगवान ने जिस हाल में जैसे रखा है उसमें खुश रहो, प्रसन्न रहो। यही हमको उस नन्हे पेड़ से सीख मिलती है। उसने तीन बार प्रे करी, उसके नसीब में नहीं था तो उसे वो सब नहीं मिला ना, इसलिए जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमें नहीं मिलता। तो जिस हाल में है जैसे रहते हो ऐसे सुखी रहो, खुश रहो और प्रसन्न रहो। अब इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ देखो, मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। आंधी आई, आंधी के ऊपर उसके सारे वो जो चमकीले पत्ते थे वो बिखर गए थे ना। आंधी मीन तेज़ हवा चलती है, तूफान आता है तब उसको बोलते हैं। नन्ना मीन छोटा सा, सिर्फ मतलब केवल, अजीब मतलब अनोखी, चमकदार मीन्स जिसमें चमक हो, शाइन हो, उसे बोलते हैं। ओके, फिर बेहद, बेहद मतलब कहते हैं ना कि वो हम, मैं अपनी माँ से बेहद प्रेम करता हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं उसको बोलते हैं बेहद। चकनाचूर मतलब चूर चूर हो जाना, टूट जाना, टूट कर बिखर जाना, उसे बोलते हैं चकनाचूर होना। झुंड मीन्स ग्रुप, जब हम किसी ग्रुप में, समूह में, दल में जाते हैं उसे बोलते हैं झुंड। भले मीन्स अच्छे। फूलाना समाना, जैसे मैं अपने मन की चीज़ पाकर फूलाना, फूली ना समाई, बहुत खुश हुई। मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर साइकिल दी तो मैं फूली ना समाई। ओके, ये हमारे शब्दार्थ पूरे हुए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।